हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल. हाँ, तो झलक की जर्नी के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर वन मंथ एंड फ्यू डेज आई एम बैक विद माय फेवरेट प्लेस व्हिच इज लाइक अ छोटा सा मेकअप रूम और अ वैनिटी. आज मैंने सोचा कि सिंस आई एम शूटिंग and bringing out something very interesting for all of you, तो क्यों ना एक छोटा सा pre-preparation just before the makeup, that how I you know prepare my skin for long lasting makeup, वो आपके साथ share करूँ. These are my little secrets which I know that all of you you keep on asking me on the comment section, how do you prepare your skin, what is the secret of your glowing skin or keeping the skin healthy. So here is one portion जो मैं makeup से पहले हमेशा आई मेक श्योर दैट आई डू दिस रिचुअल बिफोर द मेकअप, सो दैट यू नो द हेल्थ ऑफ द स्किन एंड सस्टेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल ऑफ देम दे आर गारंटीड. सो सबसे पहले आइस यहाँ मेरे लिए सब सेटअप करके रखा हुआ था, सो बिफोर आई कुड रीच मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं. माई फेवरेट थिंग म्यूजिक जो जस्ट बिफोर डूइंग माई मेकअप आई ब्लास्ट इट. उससे पहले आइसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ये पोर्स जो हैं उन्हें बंद कर देती है एंड आइसिंग टाइटन्स द स्किन एज वेल, और मेकअप जो है वो अच्छे से फेस पे सेटल हो जाता है. सो आइसिंग तो जनरली भी मैं जब घर पे होती हूँ एंड आई डोंट डू मेकअप एंड ऑल, जस्ट बिफोर माई एप्लीकेशन ऑफ माई सनस्क्रीन आई ऑलवेज आइस माई फेस. और अभी भी मैं सनस्क्रीन लगा कर आई हूँ और सुबह विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन, इट एब्जॉर्ब्स वेल एंड इट वर्क्स वेल. मेरा गाल और पूरे फेस जो है रेड हो गया है. आओ, और ठंडा भी है, बट इट्स गुड फॉर स्किन हेल्थ. एंड अभी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम क्या एक महीने से छुट्टियां मना रही थी, तो यू कैन सी ऑल द बेबी फैट इज बैक. तो दिस वन आई ओनली डू जब मुझे ऐसा लगता है कि यू नो चेहरे पर वाटर रिटेंशन हो गया है, या मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ, थोड़ा सा पफ़ी हो गया है और हल्का हल्का सा, या फिर बेबी फैट जो सबसे पहले मेरे चेहरे पे दिखता है वो आना शुरू हो जाता है. तो आई अप्लाई दिस मास्क 20 मिनट्स बिफोर द मेकअप. सो ये जॉ कॉन्टोरिंग के लिए होता है, सिंपल है. ये इसको ऐसे निकाला, ये पुल किया ताकि इट कैन टेक द डिज़ायर्ड शेप ऑफ माई जॉ लाइन. फेस क्लीन करना ज़रूरी है, जो अभी मैंने आइस के साथ कर दिया था, एंड आई अडैप्ट इट. और कान पर लगा देंगे. It looks funny. I'm gonna look funny, but it's okay. 20 minutes. It is 10:47. Around 11:07. मैं इसको निकाल दूँगी. तब तक मैं अपना सोशल मीडिया चेक करती हूँ. आप लोगों ने कितना प्यार दिया, कितने कमेंट्स दिए, कितनी ट्रोलिंग की. 20 मिनट वो तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कुछ और प्रेप नहीं कर पाऊँगी चेहरे पर. सो दिस माई फैन क्लब रुबीना दिलेक फैन क्लब, और उन्होंने मेरी वेडिंग की पहली पिक्चर पोस्ट की है. ओ वाओ यार, आप लोग ना कुछ एक एडिट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हो. मतलब मुझे भी ध्यान नहीं रहता है कि ये पिक्चर कब की कहाँ थी कैसे थी, एंड देन यू पुट सो मेनी पिक्चर्स टुगेदर. ओके, एक मीम बना है और मेरे फैन पेज पर है, बाय द नेम ऑफ मोस्टली रुबीना. सॉरी, दिस शुड बी ब्यूट. तो आई रिमेंबर बिग बॉस को लेकर इतने मीम्स बनते, छोटे छोटे क्लिप्स जो होते हैं, यू नो कभी एक 10 सेकेंड का कोई क्लिप होगा वेर आई एम डूइंग समथिंग और उस पर एक कैप्शन आ जाता है. इट्स सो फनी नाउ लुकिंग बैक एट इट कि यार ये सब भी कर ये सब भी हुआ था, ये सब भी कहा गया था, ये सब भी बोला गया था. सो या अच्छा लगता है जस्ट टू हैव योर मेमरीज रिफ्रेश, पर कभी कभी खुद पर ही हंसी आती है कि सही में दैट वॉज रियली लाइक. ओ झलक का एक जी सर, रूबी एस रूबीना. वेल, रूबीना और सनम के पास सबसे ज्यादा सही है कॉइंस है, तो मैं तीनों जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा. मैं और सनम सबसे सही है जोड़ी ऑफ झलक. ओ वाओ, रूबीना दलेक फैन क्लब एंड बिग बॉस 16 प्लान फैन क्लब, वी हैव दिस वीडियो देयर जहां मैं और नैना वी आर डांसिंग. अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं और ये कॉन्स्टेंटली जब आती रहती है आपके फीड पे, तो यू रियली लाइक इट. रूबी एक्स टमेटो. ओ वाह, ये कौन सा फ़ैन पेज है? मेरा टमाटर भी है कोई फ़ैन पेज. ओ लवली, आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं. यू टेक आउट सो मच ऑफ टाइम, गिव सो मच ऑफ एनर्जी एंड मेक सच वंडरफुल एडिट्स एंड यू स्टोर सो मच ऑफ
यू नो कॉन्टेंट ऑनलाइन, मेक योर ओन रील्स, मेक योर ओन पोस्ट. इट्स अमेजिंग. आई मीन ट्रूली 20 मिनट्स हो गए हैं. अब मैं इसको निकाल देती हूँ. आई डोंट नो, मिरेक्युलसली जॉ लाइन डिफाइन हुई है कि लाइक फ्यू ऑफ द थिंग्स वी जस्ट डू इट बिकॉज वी नो प्लेसिबो इफेक्ट से इट विल वर्क. ओके सो मूविंग ऑन. ये है हाइड्रोमो. इट कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड. तो एक छोटू सा फ्लॉप ऑफ इट इज इनफ. एंड आई जस्ट सिंपली डैब इट. देन इज द ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है. दिस मोस्टली आई यूज इट व्हेन आई वांट दैट हल्का सा डूई मेकअप का फील. अगेन मोस्टली ये जो है टी बार को छोड़कर, दिस टी थिंग, द टी ऑन द फेस, उस जगह को छोड़कर अप्लाइंग इट ऑन द चीक, नेक एंड डेकोलेट. और ये एलिमिनेटिंग सीरम है. इट्स लाइक अ लिक्विड ग्लो. दिस इज द आखिरी स्टेप बिफोर आई बिगिन माई मेकअप. And it goes round and round and round, all in circular motion. ये neck, so that the whole face looks even, is properly moisturized. So we are ready. Skin तैयार हो गई है to take up all the makeup products. 2 or 3 years that I've realized that how important it is to take care of your skin pre-makeup and post-makeup. Your products have to be skin-friendly because they say ke your skin is the largest organ. तो अगर आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं तो उसे आप अपने चेहरे पर लगा भी नहीं सकते हैं, because चेहरा जो है skin absorbs everything. So you have to be really very particular about what you apply on your skin. Not only it helps you stay younger for longer, but it also ensures ke koi bhi skin ailment ya koi bhi skin related issues na ho. And especially people like us, jo hum makeup bahut frequently karte hain aur bahut lambe samay tak makeup skin par rehta hai, hamare liye specially apna skin ka dhyan rakhna, मेकअप से पहले प्रिपरेशन और मेकअप के बाद का जितने भी रिचुअल्स है, प्रोसेस है, दैट शुड बी फॉलोड नाइसली. हास्ता ला विस्ता.